गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णदत्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनिकावतारो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ विजयवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीसर्वविकान्तौ श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभारुण देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्ताविहीन अपराध लक्ष्यै क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। जय रूप सनातन भट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भटदास रघुनाथ। हे क्षय गोसाई करी चरण बंदन जाहा विघ्नना सभीष्ट पुरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद शोधर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों का मिल आनंद कवि साक्षात अनुभव प्रणाम कर। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद शोधर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों पर श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी पर मैं यथाजुग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सबर जी का उपाख्यान और सबर जी के उपाख्यान में जो शिक्षा है कहते कह रघुपति सुन भाविनी बाता माना एक भक्त करी नाता। भगवान सबरी को कहते हैं भले देखो जो मेरे को प्राप्त करने का केवल एक ही नाता है भक्ति। इसलिए कहते राम नहीं केवल प्रेम प्यारा। भगवान केवल प्रेम का ही भगवान केवल वसीभूत होते हैं। ज्ञान योग जाग तपस्या से भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए केवल भक्ति ही सर्वस्व है। इसलिए सबर इतने छोटे जाति के होते हुए भी देखो कितने बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे कितने बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे लेकिन भगवान ने क्या बोले बोले अगर ये पानी को पवित्र करना चाहते हो क्या करो सबर की चरणा में चला करके ये पानी में डाल दो वो अपने आप साफ हो जाएगी। फिर तो इसी पानी में हम लोग स्नान करते रहे ना ये पानी को पीते रहे। इसलिए भगवान भक्ति की कितना बड़ा महत्व भगवान भक्ति की कितना बड़ा महत्व देते हैं। इसलिए भगवत प्राप्त करने का केवल एक उपाय है भगवान की भक्ति ही जीवन का सर्वस्व होनी चाहिए। इसलिए भगवान की
शिक्षा देकर कह रहे हैं तो लोग भक्ति के द्वारा ही मेरे को वशीभूत कर सकते हैं। तब भगवान जो सबरी को नवविद्या भक्ति की उन्होंने शिक्षा प्रदान की, कहते जो नवविद्या भक्ति भागवत में भी नवविद्या भक्ति है, श्रवण कीर्तन भीष्म स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास सख्य आत्म निवेदन इति पुंसार्थिता विष्णु भक्ति चेतन अवलक्षण क्रियते भगवत अर्था धर्मने। जिसको प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो नव विद्या जो भक्ति इतने भक्तियों में कि जो नव विद्या भक्ति सर्वश्रेष्ठ विद्या है, शरद भागवत में तो इतनी बताए, लेकिन ये यहाँ पर भगवान राम थोड़ी सी कई कई कोई है लेकिन थोड़ी सी इधर उधर है, लेकिन कई कई कोई चीज को बताते हैं। इसलिए गुरुदेव इसको व्याख्या करते थे, गुरुदेव कहते थे कि नव विद्या भक्ति भक्ति में हमें एक साधु को कैसे भक्ति करनी चाहिए, फिर वो भक्ति को द्वारा भगवान निर्देशते हैं। तो गुरुदेव ये नव विद्या भक्ति को भी गुरुदेव व्याख्या करते थे, क्या कहते थे, प्रथम भक्ति संतन करि संगा दुसोइराति मम कथा प्रसंगा। तो वहाँ पर बताए श्रवण नव विद्या भक्ति प्रहलाद महाराज कह रहे, लेकिन यहाँ पर श्री भगवान राम कहते हैं कहते जो वहाँ श्रवण कहते हैं यहाँ पर करी करी वही चीज को करी करी वही चीज को कहते हैं। कहते श्रवण हम कब करेंगे, जब भक्तों का संग होगा तभी तो श्रवण करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहते प्रथम भक्ति संतन करी संगा, जो प्रथम भक्ति है संतों का संग है। इसलिए कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना हो राम कृपा बिना सुलभ नाश हो, इसलिए प्रथम भक्ति। इसलिए हम कल भी श्रवण कर रहे थे जिसको श्री जी गोस्वामी जिसको कहते हैं कि ये भक्ति को एक लता को उदाहरण दिया है, लेकिन लता का जब तक बीज नहीं होना तब तक वो लता नहीं हो सकता है, लेकिन ये भक्ति रूपी जो बीज तो गुरुदेव से ही, ये भक्ति रूपी लता गुरुदेव से ही प्राप्त होता है। बोले गुरु जी से क्यों प्राप्त होता है और क्यों कहीं प्राप्त नहीं होता है, ये गुरु जी से ही हमें मंत्र क्यों लेना चाहिए, अपने आप तो शास्त्र में लिखा हुआ महामंत्र शास्त्र में, गोपाल मंत्र काम गायत्री सब शास्त्र में ही है, फिर हम ये शास्त्र से क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, फिर ये गुरु जी को पास में जाने का क्या जरूरत है। मैंने क्या बताया था, याद है क्या बताया था, बोलो, चिड़िया का उदाहरण दिया था। हाँ, इसलिए जीव गोस्वामी ये चिड़िया की उदाहरण जीव गोस्वामी देते हैं, हमें गुरु जी से ही मंत्र क्यों लेने चाहिए, कार में क्या, बोले कार में कहते जो बीज है ऐसे कुछ बीज है जिसको वृक्ष से डायरेक्ट लेकर के बोने पर वो बीज नहीं होता है, उसका नियम है, जैसे बरगद और पीपल का जो पेड़ है उसका एक नियम है, जब वो बीज को कोई चिड़िया खा ले फिर चिड़िया खाने का बाद उसको पेट में वो बीज जाए, उसके पेट में ऐसे को जो रस है, जब वो बीज वो रस से युक्त हो, जब वो बीज करता है जहाँ पर पत्थर है जहाँ पर सीमेंट है वहाँ पर भी वृक्ष हो जाए, वहाँ पर भी वृक्ष, वहाँ पर कोई मिट्टी नहीं कोई पानी नहीं, देखना बरगद का पेड़ पीपल का पेड़ ऐसे छत के ऊपर होता छत को फाड़ देता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है अगर हम शुद्ध वैष्णव से अगर भगवान की कथा सुनते हैं, उनसे अगर भगवत मंत्र को ग्रहण करते हैं, वाल्मीकि दस रत्ना करके ये वाल्मीकि बने गया, और वो जो व्याध था जो जानवर को मार करके आधा मरा कर देता था, जब वो छटपटाया करता था फिर मेरे बड़ा आनंद होता है मेरे पिताजी से सीखा, लेकिन ऐसे व्याध जब नारद जी का संग प्राप्त किया तो इतनी बड़ा संत बन गया, जब गुरु जी को प्रणाम करने जा रहे थे वो रास्ता को झाड़ झाड़ कर प्यार के नीचे पड़ी, इसलिए मकोड़े नहीं आते, इतने प्रभाव साधु संग। इसका मतलब है अगर हमारे हृदय में भक्ति कोई भक्ति की अगर कोई संस्कार नहीं रहने पर भी अगर ऐसे कहीं शुद्ध भक्तों का अगर संग हो जाए ना, इतने प्रभाव शुद्ध भक्तों का संग की एक दस्ती को भी रत्नाकर बना सकते हैं और एक बहेलिया को भी उन्होंने इतने बड़े साधु बना सकता है।
की संघ राय रामानंद संवाद में तो बताए कृष्ण रस भाविता मती क्रियताम सुक्ता की जति लभ्यते तत्र लौलम पुत्र कलम कुटी सुकृ तेरा भी न लभ्यते राय रामानंद। तो कितने बड़ी बात श्री राय रामानंद कहते हैं। अगर सचमुच से कोई कृष्ण रस भाविता गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे किसी रूई को जैसे पानी में डूबो दो ना, जैसे उसकी कण कण में जैसे पानी समा जाती है, कहते जैसे रसगुल्ला हो, जैसे गुलाब जामुन हो, हैं, जैसे पूरा के पूरा अगर रस में डुबो दो उसकी कण कण में एकदम रस उसकी कण कण में चली जाती है। गुरुदेव इसको उदाहरण देते थे, अगर सौभाग्य बरसत अगर ऐसे कोई भक्तों का अगर हमें संघ प्राप्त हो जाए जो संपूर्ण मती कृष्ण रस में पूरा सराबरा हुआ हो, अगर ऐसे भक्तों का संघ अगर मिल जाए तो उसका संघ भी इतने प्रभाव है। भक्ति सुकृति को द्वारा ही भक्ति होती है, लेकिन कहते कोटि सुकृति रत्न लभ्यते करोड़ों करोड़ सुकृति से उसको द्वारा जो प्राप्त नहीं हो सकती है, कहते अगर ऐसे भक्तों का संघ अगर हो जाए ना बार कल्याण ही कल्याण। अगर ब्रजरस भावी का भक्त अगर मिल जाए तो ब्रजरस में है, जैसे हमारे महाराज गुरुदेव भक्ति वेदांत तिलक नारायण गोस्वामी महाराज के उनका संघ जिन लोगों ने किया ना, गुरुदेव ने किया हृदय में बीज बो कर गए, कहते राधा दास्य ही केवल हमारे जीवन की एक ही काम में, केवल राधा दास्य ही एक हमारे जीवन का काम में, और हमारे कोई काम में है ही नहीं है, हमारे जीवन में कोई इच्छा नहीं, केवल एक राधा रानी की दासी। अगर ऐसे अगर भक्तों का संघ हो जाए बा कल्याण ही कल्याण मंगल ही मंगल। इसलिए गुरुदेव कहते थे एक जीवन में तो अपना लक्ष्य को ठीक करो, भले ही कितने जीवन में हमें कुछ नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन किसी जीवन में केवल एक लक्ष्य को स्थिर कर दो, राधा रानी की पादल दासी बनना ही हमारे जीवन का एक ही केवल काम है, और कोई काम नहीं, केवल ये चीज को हृदय में स्थिर रूप में अपना हृदय में स्थिर कर दो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो प्रथम जो भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, इसलिए जो पहला भक्ति है भक्तों का संग है। इसलिए अभी तक जिन जिनियों को भगवत प्राप्ति हुई है उनका जीवन पढ़ लो, एकादश स्कंद में वहां पर कहते हैं, कहते खगा मृगा बंदर भालू इनका जीवन अगर कौन से लोग हैं, दैत्य खगा मृगा जितने आप जितने सब देखोगे, कहते जितने सारे देखोगे जो बंदर जाति में आए, कोई भालू बन करके आए, कोई राक्षस कुल में जन्म लेकर के आए, जिसको प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, नैसान वति सावर गुरु क्रमाश्री स्विसर्थ अनर्थ अपगमन जदर्थ मई असाम जनना न प्रणीत जावत। जब प्रहलाद को उसको पिताजी ने पूछा बताओ तेरे बुद्धि किसने खराब कर दिया, तेरे बुद्धि को किसने खराब कर दिया, हर बात बात में तुम कहते हो भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की नाम जप कर, हर बात बात में तुम भगवान 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 कह रहे हो, तेरे बुद्धि को किसने खराब किया। बोले पहले तो सत्य जुग में एक हिरण्य कश्यप तो घर घर में हिरण्य कश्यप है, अगर अगर कोई भगवान की भक्ति करे ना बोले इसका बुद्धि खराब हो गया है, अगर साधु तो साथ में, अगर कोई पढ़ करके भजन करे ना है, कोई बच्चा अगर साधु सिला गला में कंठी बोले बाबा ने उसको पागल बना दिया, पता नहीं कौन सा बाबा के चक्कर में पड़ा उसने और उसको पागल बना दिया है, हैं इसको पागल बना दिया है। इसलिए अभी घर घर में ही रावण कुंभकर्ण भी घर घर में जन्म हो गए, किसने तेरे बुद्धि को ही खराब किया है, क्या तेरे गुरु जी श्रद्धा बरकनी की है, क्या उनकी संगत में ये तेरी बुद्धि बदल गई। बोले पिताजी ये क्या बुद्धि बदलाएंगे, इनका तो भी बुद्धि नहीं बदला है, इनका खुद ही बुद्धि कृष्ण में मति नहीं, इनकी खुद ही मति कृष्ण में नहीं, जिनका मति स्वयं कृष्ण में नहीं वो कृष्ण के चरण में कैसे लगा सकते हैं। इसलिए कहते पिताजी नई सांग मति स्थावत गुरु क्रमान भी ये तब तक ये मन भगवान के चरण में लग ही नहीं सकता है जब तक मई असाम इसके चलाना न प्रणीत जावत, जब तक किसी महान किसी साधु की चरण में जब तक हम शरणागति नहीं होंगे भले ही जीवन में जो कुछ कर दो कुछ होने वाले नहीं। इसलिए बोले महल कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं,
कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना हाय खाए। इसलिए कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, संसारिक है नहीं होता है। इसलिए जब तक महान भक्तों की किसी भक्तों की जब तक संगत प्राप्त नहीं हो, इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो प्रथम भक्ति, भक्ति का जो शुरुआत है, भक्ति का शुरुआत कहाँ से होगी? बोले प्रथम जो भक्ति है संत न कर संगा, इसलिए पहले भक्तों का संग कर, भक्तों का संग से ही धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। देखो आश्चर्य की बात, देखो ये भक्त सब क्या कितने भक्त है, वृंदावन में कितने लोग हैं, बाकी भी यार दर्शन करने के लिए जाओ ना, भीड़ में दर्शन करने के लिए जाओ, पकड़ में पैसा लेकर के एक चक्कर काट करते हो, पकड़ में सारे पैसा लगा और रह रहे कहाँ पर, वृंदावन। जमुना किनारे में कहीं देखे को सिगरेट घूम रहे, शराब पी रहे, घूम रहे, क्या कि वृंदावन में नहीं रह रहे, भगवान के धाम में, ये वृंदावन में रह रहे हैं, लेकिन इनका भक्त संग नहीं होने का ना कुछ लाभ हुआ है। ब्रज में पास होने पर भी, ब्रज में रहने पर भी कुछ नहीं हुआ। देखो यहाँ पर अंग्रेजियों को देखो, वो कनाडा से आए, वो रसिया से आई, लिथुआनिया से आए, ये आई रसिया से, और वो आई कहाँ से, फ्रांस से, वो आई कहाँ से, ये देखो ये विदेश से, वो माता जी आई अमेरिका से। लेकिन ये भक्तों का संग देखो, ये कहाँ विदेश में होते हुए भी देखो क्या हरिनाम कर रहे हैं, ब्रजवास कर रहे हैं। हमारे भारत के लोग चाहते हैं अमेरिका जाएंगे, बोले क्यों, बोले पैसा कमाएंगे, फ्रांस जाएंगे पैसा कमाएंगे, ए पैसा कमा कर सुखी रहेंगे, है पैसा कमा कर सुखी रहेंगे। यहाँ यहाँ से जाना चाहते थे अमेरिका, विदेश जाना चाहते थे, लेकिन इनको देखो ये विदेश छोड़ कर कहाँ पर आए, वृंदावन। हम जो बाहर प्रचार के लिए जाते हैं ना, इनको हम उदाहरण देते हैं, है अभी का लोग चाहते हैं अमेरिका जाए पैसा कमाएंगे खुशी रहेंगे, भैया अमेरिका में खुश होता तो भाई ये लोग वृंदावन में चोटी की लग लगा करके ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 इनको विदेश में रहते हुए भी भक्तों का संग मिला है, इसलिए उन्होंने विदेश छोड़ करके वृंदावन में आकर क्या कर रहे, भगवान की भजन कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे। इसलिए जो मेन चीज है ना भक्तों का संग है, मेन ब्रजवास है, लेकिन उसका जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व वैष्णव का संग है। वैष्णव का संग अगर नहीं होगा तो ब्रज में रहते हुए भी इतना लाभ है कुछ लाभ, लेकिन उतना कोई लाभ नहीं। जब हमारे महाराज रहते थे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जैसे जब ये गुरु जी जो विदेश जाते थे, यहाँ के सब विदेश भक्त गुरु जी को साथ में चले जाते, सबका सब विदेश रहते थे वृंदावन में, लेकिन चूंकि गुरुदेव जा रहे हैं विदेश में, बस मानो गुरुदेव जहाँ विदेश गए वो पूरा के पूरा वृंदावन को यहाँ से लेकर जाते। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हे मन तू तीर्थ सदा रत, तुम चाहते हो तुम सब समय तीर्थ भ्रमण करना चाहते हो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जे तीर्थे वैष्णव नाही से तीर्थे ते नाही जाई किला भाटिया गुरुदेव। अगर कहीं बाहर तीर्थ में गए लेकिन अगर वहाँ वैष्णव का संग नहीं मिला, भैया वो तीर्थ जाकर कोई तुम्हारी लाभ नहीं। इसलिए जथा वैष्णवगढ़ से स्थान वृंदावन, वृंदावन कहाँ, जहाँ पर वैष्णव लोग वहीं पर वृंदावन, गिरी तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन, वहीं पर गिरिराज गोवर्धन, वहीं पर राधा कुंड श्याम कुंड, वहीं पर वृंदावन धाम। बोले कहाँ पर, बोले जथाए वैष्णव, जहाँ पर वैष्णव लोग है वहीं पर ही सब कुछ, वहीं पर सब कुछ है। अगर वैष्णव का संग नहीं मिलेगा ना, भक्तों का संग, शुद्ध भक्त का संग, उसका इतना महत्व नहीं, महत्व है भक्तों का संग है। इसलिए विनोद कहिए भाई भ्रमिया की लाभ पाई वैष्णव सेवन पर व्रत। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मेरा जो व्रत किया है, कहते वैष्णव संग ही, वैष्णव संग ही हमारे जीवन का यही व्रत है। इसलिए गौर अमार जैसब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरवा प्रणयी
भगत सखी, जहाँ पर भगवान लीला की महाप्रभु प्रेमी की भक्तों को साथ में ही वो संग बहुत दर्शन करनी चाहिए। मूल है वैष्णव का संग ही मूल है, वैष्णव संग के बगैर सब कुछ जीरो ही है। वो धाम क्यों नहीं हो तो कुछ भी क्यों नहीं हो, मैं नहीं वैष्णव का संग प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते जो प्रथम भक्ति है ये कौन कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं, साधारण व्यक्ति बात तो नहीं कह रहे। मतलब भगवान अपना भक्तों को कितना महत्व देते हैं, ठाकुर जी अपना भक्तों का कितने महत्व भगवान स्वयं देते हैं, मेरे भक्तों का संगति कितने महत्व है। हम कल सुन रहे थे ना, कृष्ण स्वयं कहते हैं अनु प्रजामि अहम नित्यं पूजे एत अंधिर रेणु, कृष्ण स्वयं कहते हैं ये भक्तों का इतना महिमा, मैं भी भक्तों का पीछे 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 चलता हूँ। बोले क्यों, बोले भक्तों का चरण धूलि में, भगवान स्वयं कहते भक्तों का चरण धूलि में इतने शक्ति मेरे भक्त में, स्वयं भक्तों का पीछे पीछे चलता हूँ, भक्तों का चरण धूलि मुझे प्राप्त हो और मैं भक्तों का चरण धूलि प्राप्त करके मैं स्वयं पवित्र बन जाऊँ। इतने भक्तों संग की महिमा, इतने भक्तों संग की, इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं जो प्रथम जो भक्ति है, प्रथम भक्ति क्या है, कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी जो भक्ति रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब वैष्णव का संग होगा उसके बाद में तो वैष्णव संग, प्रथम भक्ति वैष्णव, उसके बाद में भगवान की फिर कथा श्रवण करना है। वैष्णव संग तो प्राप्त किया है, लेकिन वैष्णव संग प्राप्त करने पर भी अगर हम कथा नहीं सुने वैष्णव तो फिर ज्ञान कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा है। इसलिए कहते हैं वैष्णव को जटा पर भी वो एक रहता, एक कीड़ा रहता ना, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, जो पका कहते ना, कहते जो बड़े बड़े जटा है वैष्णव के, कहते उसके अंदर में तो जीव रहता है, लेकिन वो करता क्या, कहते वैष्णव का खून चूसता है, वो खून चूसता है। अगर हम वैष्णव के पास में रह करके, अगर गुरुदेव कहते थे वैष्णव को पास में, गुरु जी को पास में रह रहे हैं, लेकिन नजर कहाँ पर, बोले गुरु जी के पकड़, गुरु जी कब जाए पता, कितने संपत्ति में कब हम दखल करें, गुरुदेव खुद ही बात कहते थे, गुरुदेव कब जाए और गुरु जी ने जो ये सब मठ मंदिर बनाया ना इसको ऊपर में कब, गुरुदेव स्वयं की बात कहते थे इसको ऊपर दखल कब करें, ये हमारी कैसे हो जाए, सबका माली कैसे बन जाए। गुरुदेव कहते थे वो गुरु जी के पास में नहीं रहते, वो पकेट को प्रश्न न करे, गुरुदेव कहते थे वही सही शिष्य है, गुरु जी जो दुर्लभ जो प्रेम दे रहे हैं, गुरु जी जो असली जो चीज देना चाहते हैं कृष्ण प्रेम, महाप्रभु का जो प्रेम को जो देना गुरुदेव चाह रहे हैं, ये गुरु जी का वाणी है, कहते वो असली शिष्य है, पकेट पे जिसका नजर है वो शिष्य है ही नहीं, गुरु जी का असली चीज को लेना नहीं चाह रहे, नकली चीज को लेने के लिए उसके लिए है कोशिश करता है गुरु जी आए और सारी संपत्ति हमारी हो जाए। इसलिए गुरुदेव का तो असली शिष्य नहीं, असली शिष्य वो है वो जो प्रेम दे रहे हैं गुरुदेव, वो प्रेम को लेने के लिए कौन चाहता है, वो उतना ही शिष्य है। इसलिए ये चीज कब प्राप्त होगी, तभी प्राप्त होगी जब गुरु जी से हरि कथा सुनेंगे, गुरु जी की हरि कथा उनका जो असली जो प्रेम दे रहे हैं, वो जो साधन भजन, जैसे हमारे महाराज इतने बड़े वस्तु गुरुदेव देना हमें चाहे, कहाँ राधा दास्य को देना चाहे, राधा रानी की दास्य को गुरुदेव देना चाहते, कितने दुर्लभ वस्तु है, कितने दुर्लभ वस्तु है। खैर जिसको अंदर में भक्ति आ जाएगी ना, ये दुनियादारी संपत्ति के लिए चटपट नहीं करते, वो संपत्ति का अपने आप आ जाता है। जैसे भगवत भक्ति अतिनाथ सर्व गुण समाजा, जिसको हृदय में भगवत भक्ति आ जाए वो सारे ऐश्वर्य सारे प्रतिष्ठा उसको पीछे 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 भागता रहता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ना, प्रतिष्ठा सा धृष्टा सपच रमण ने हृदय नटे कथम साधु प्रेम, जिसके हृदय में प्रतिष्ठा रूपी चटाल ने जिसके हृदय में बैठा हुआ कृष्ण प्रेम कहाँ उसको प्राप्त हो सकती है, बहुत दूर है कृष्ण प्रेम से, जिसके हृदय में केवल प्रतिष्ठा 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 की आशा है नहीं। इसलिए प्रतिष्ठा रूपी चंडाल रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं रावण भी जुझिया रावण
रावण की प्रतिष्ठा के लिए चाह रहे थे, लेकिन माधवेंद्र पुरी देखो प्रतिष्ठा भाई माधवेंद्र जाय पधारिया, लेकिन प्रतिष्ठा स्वभाव ही जगत विदित जे नाबाचे ताल है विधाता निर्मित। आप सुने कि नहीं माधवेंद्र पुरी कहता, उन्होंने देखा ठाकुर मेरे लिए खीर चोरी किया, सबर होते क्या होगा, सारा दुनिया तो दौड़ कर आएंगे, इनके लिए ठाकुर जी खीर चोरी की, खीर चोरी की ठाकुर जी। लेकिन राता रात उन्होंने क्या कर दिया, रात ही भाग करके चले गए कहाँ, पूरी। लेकिन प्रतिष्ठा स्वभाव क्या है, जिसको भगवान स्वयं प्रतिष्ठा देते हैं ना, उसको कोई नहीं रोक पाते, कोई रोक नहीं सकते। वो पूरी पहुंचने से पहले जगन्नाथ जी स्वप्न दे रहे हैं, बोले राजा जी एक ब्रज से मेरा एक भक्त आ रहे, माधवेंद्र पुरी आ रहे, जब आए उनके लिए मलाई चंदन के लिए उनके लिए व्यवस्था कर रहे, उन्होंने छोड़ कर गए। जब वहां पर गए देखा राजा आपको स्वागत करने के लिए तैयार तैयार बैठे वहां पर। इसलिए कहते प्रतिष्ठा का जो स्वभाव है ना, बोले जे नाबाद से जो नहीं चाहता है तार है विधाता निर्मित, उसको देने वाले कौन है, ठाकुर देने वाले, उसको भगवान देने वाले प्रतिष्ठा है। इसलिए मूल वस्तु क्या है, मूल वस्तु है हमें निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करो, है निष्कपट होकर के हमें भगवान की भजन करनी चाहिए। भजन करेंगे तो ये चीज तो मांगने का जरूरत है, ठाकुर स्वयं उसको पीछे पीछे, वो नहीं चाहने पड़े ठाकुर उसको स्वयं, ये प्रतिष्ठा ठाकुर स्वयं हमको देते हैं। इसलिए हमें मूल वस्तु है हमें निष्कपट होकर के भगवान की भजन करो, कोशिश नहीं करनी चाहिए दूसरी चीज के लिए। हमने देखा देखो प्रभुपाद को देखो, प्रभुपाद ने 3-3 लाभ है ना, गुरुदेव दिन में 2-2 लाभ है ना, देखो जगत में गुरु जी कितने प्रतिष्ठा क्यों कारण क्या है, सारा दुनिया गुरु जी को चरण में उमड़े, पृथ्वी उमड़ पड़े गुरु जी के, देखे आप जो देखे होंगे गुरु जी का पास में, पृथ्वी उमड़े गुरु जी के पास में, संपूर्ण पृथ्वी गुरु जी के पास में उमड़ पड़े हुए, क्यों निष्कपट होकर के एक भगवत प्रेम के लिए कोशिश करते हैं, एक भगवत प्रेम के लिए उन्होंने कोशिश किया है, भगवान के शुद्ध रूप में भजन किया, भक्ति किया, सारा दुनिया गुरु जी के पीछे, सारी दुनिया। इसलिए हमें केवल एक चीज को लक्ष्य रखो, जीवन में हमें कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, दूसरे चीज में हमें नजर नहीं देनी चाहिए। अगर वो चीज को प्रति जाओगे अपने आप दुनिया तुम्हारे पीछे भी जाएगा। इसलिए कहते दूसरे जो भक्ति क्या है, कहते कथा प्रसंगा, साधु संघ में हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा सुन करके भगवान की भक्ति प्रति हमारी चेष्टा रहनी चाहिए, भगवती भक्ति रहनी चाहिए। इसलिए भगवान स्वयं कपिलदेव स्वयं कहते हैं बोले सता न प्रसंगा, भगवान सरे न कपिलदेव अपना माँ बोले माँ अगर तुम ये चाहते हो, क्या चाहते हो, मेरे को प्राप्त करना चाहते हो उपाय, केवल एक उपाय और कोई उपाय नहीं, बोले बेटा क्या है, बोले मेरे भक्तों का संग और मेरी कथा सुन, बोले कथा सुनने से क्या होता है, बोले सता न प्रसंगात मम बीज संविदो भवंती कृति कर्ण रसायन कथा, कर तो अगर मेरे भक्तों का संग करोगे तो कथा कैसे है, बोले द्रीत कर्ण बोले हृदय और कान को ये रस देने वाली कथा है, हृदय और कान को ये रस देने वाली कथा है भगवान की कथा। इसलिए यहाँ पर बताए रसायन, एक रसायन आप देखे होंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन या रसायन सुने होंगे, वो 10 तरह का जड़ी बूटी से वो बनता है, 10 तरह का जड़ी बूटी से वो बनती है, कहते तो रसायन पान करने से क्या होता है, कहते तो अंदर का जितने सारी बीमारी सारी घर खत्म हो जाती है। अगर भगवान की कथा कैसे तब उदाहरण देते हैं, कथा नहीं कहते रसायन है, ये रसायन इसको सुनने से हमारे हृदय का जितने बीमारी है हैं, वो कौन सा बीमारी है, पर भवरों की तो बीमारी है, जन्म मृत्यु हैं, जरा ऐश्वर्य आध्यात्मिक आदि दैनिक आदि भौतिक, ये जितने सारे बीमारी है क्या हो जाता है, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, सारी बीमारी बीमारी खत्म हो जाएगी हैं। फिर कथा सुनते सुनते क्या होगा, पहले श्रद्धा जन्मी, उसको बाद में भक्ति, उसको बाद में फिर प्रेम आएगा हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कथा सुनते सुनते अ प वर्ग वर्तमानी,
वर्ग मतलब होता है प प ग ग और म बोले प प मतलब होता है परिश्रम बोले फ फ मतलब होता है फे बोले ब ब मतलब होता है बैठता बोले भ भ मतलब होता है भय और माँ माँ मतलब होता है मृतु। यदि जो प वर्ग है तो सारे प वर्ग तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। प प मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम मतलब जैसे संसार में हम कितने परिश्रम करते हैं, कितने दिन भर रात दिन भर परिश्रम करते हैं। मेरे माँ अगर भक्तों का संग करोगे ना तुम्हारी ये सारे परिश्रम तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। बोले फ फ मतलब फेंक। अब देखना कभी इतने परिश्रम हम इतने परिश्रम करते हैं मुख से फेंक निकल जाती है, नाक निकल जाती है, कितने परिश्रम करते हैं। मेरे माँ अगर तुम भक्तों का संग करोगे तो ये सारे जितने फ फेंक हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। सारे को सारे मतलब क्या है, क्या भक्त लोग परिश्रम नहीं करते? अब देखना दिन भर रसोई बनाते हैं, मंदिर प्रचार करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, भक्त लोग भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, वो लोग भी परिश्रम तो करते हैं और भक्त भी एक परिश्रम करता है। लेकिन कहते हैं गृहस्थों का भक्तों का जो परिवार और एक साधारण लोग का जो परिवार देखोगे विषय वो ऊपर से एक ही दिखेगा, वो एक ही जैसे दिखेगा। ये भी दिन भर परिश्रम करते हैं, भक्त भी दिन भर परिश्रम करता है, वो भी रसोई बनाते हैं, ये भी रसोई बनाती है, ये सब ऊपर से एक ही जैसे दिखेगा। लेकिन अंदर में ध्यान करके देखोगे ना फिर आकाश पाताल करके बोले क्यों बोले एक तो अपना शरीर के लिए करता है, अपना भोग सुख के लिए, और एक जो करता है किसके लिए करता है भगवान के लिए, दूसरा करता है गुरु वैष्णव के लिए, दूसरा करता है दूसरे भगवान की सेवा के लिए। लेकिन दोनों को देखने में लगता है जैसे एक, लेकिन अंदर में देखोगे दोनों में आभास पाताल भर है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं बोले तुम्हार सेवाय दुख है जत सेवत परमासु सेवा सुख दुख परम संपदा नासय पिता सुख हरिये आत्मा निवेदन तुआ पद करी आइनो परमा सुखी दुख दुरे गला सेवक लोग मेरे लिए कितना कष्ट है, कोई रसोई बना रहा है, कोई बर्तन मलना है, कोई मंदिर साफ करना है, कोई ठाकुर को पूजा करना है। ठाकुर बैठे ना, ठाकुर तो घर का मालिक है, वो हर चीज को देख रहे हैं हमारी, हम क्या कर रहे हो देख रहे हैं, सब चीज को देख रहे हैं। अगर घर में जैसे कोई मालिक हो, घर में कोई दास नौकर हो और तीन भर वो नौकर अगर मंदिर की सेवा करता है, पूजा करता है, ठाकुर के लिए रसोई बनाता है, अगर ठाकुर जी ये चीज को अगर देख मालिक अगर देख रहा है वो कितना खुश नहीं होता। अरे दिन भर मेरे सेवा कर रहा हूँ, दिन भर मेरी ये सेवा करता है ठाकुर भाई, मालिक खुश होता है ना। क्या ठीक उसी तरह जब ठाकुर जी जब भक्त भगवान के लिए जो परिश्रम करता है वो दिखता है तो परिश्रम है, लेकिन कहते सेव तो परम सुख, कहते वो जो परिश्रम है वो परम सुख का कारण। बोले क्यों बोले हम जो परिश्रम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए कहते जो प और जो फ, प मतलब परिश्रम और फ मतलब होता है फेंक, फेंक मतलब होता है झांक, कभी क्या होगा ये सार्थकता हो जाएगी। बोले प प मतलब होता है व्यर्थता, व्यर्थता मतलब जैसे साधारण व्यक्ति संसार में जो करता है वो अपना सुख के लिए वो तो बेकार है, लेकिन जब वैष्णव संग करेंगे फिर वो संसार के लिए नहीं करेंगे, किसके लिए करेगा, वो भगवान के लिए करेगा, वो गुरु वैष्णव के लिए वो काम करेगा, फिर तो उसको व्यर्थता नहीं वो सार्थकता हो जाएगी। और भ मतलब होता है भय, भ मतलब भय, क्या भक्तों का भय नहीं है,
भक्तों का क्या भय नहीं है, लेकिन जो वैष्णव संघ का कोई भय नहीं रहेगा। भय नहीं रहेगा मतलब क्या है, जैसे कृष्ण भक्त बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णु दास, सारा दुनिया तो काल को डरता है, लेकिन काल किसको डरता है, काल किसको डरता है, काल डरता है भक्तों को, काल डरता है बोले इसलिए काल भक्तों का डरता है। कारण क्या बोले कारण जो भक्त लोग हैं ना वो हर समय भगवान की नाम कीर्तन की भजन पूजा पाठ करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के नाम कीर्तन भजन पूजा पाठ करते हैं तब ये काल भी उसको देख करके डरता है, क्योंकि काल का जो प्रकोप है वो भक्तों के ऊपर में काल का कोई प्रकोप नहीं पड़ता है। इसलिए श्री सुत गोस्वामी क्या कहते हैं बोले आयु हर सी वही अस्तंत जन सौ तस्ते जम खण मनी तम श्लोक वार्ताया कहती है काल रूपी जो सूरज ये सभी का परमाय को नष्ट कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का परमाय को नष्ट नहीं कर सकता है। किसके परमाय तो जो व्यक्ति भगवान की भजन करता है भगवान की भक्ति करता है उनका परमाय को ये काल नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए बोले माँ माँ मतलब होता है मृत्यु, जो भगवान भक्तों का संग करता है वो मृत्यु से भी ऊपर चल जाता है। भक्त क्या मरते नहीं, हम भी मरते हैं भक्त भी मरते हैं, क्या भक्त नहीं मरते हैं? तब इसके लिए उदाहरण दिया जैसे बिल्ली का उदाहरण दिया, जैसे बिल्ली जब अपना बच्चों को पकड़ता है, देखना जब बिल्ली बच्चा देता है ना 10 बार यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ 10 बार इधर उधर करेगा, लेकिन जब उसका माँ बच्चों को पकड़ता है बच्चे बड़ा खुश होता है, क्यों माँ उसको बड़ा प्यार करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसी मुंह से जब चूहे को पकड़ता है, जब चूहे को पकड़ता है फिर वो भी तो चूहे को पकड़ता है, लेकिन जब वो चूहे को पकड़ता है ना चूहा पूरा पता चल जाता है, बोले भैया इसका दार में मुंह में कितने शक्ति उसका प्राण ले जाता है। फिर उसी तरह फिर जो भक्त है देखना है साधारण लोग भी मरते हैं, भक्त भी मरता है, क्या भक्त और जो अभक्त मरने का क्या एक ही वजह नहीं, एक ही नहीं है, भक्त जब मरता है उसके लिए गोलोक वृंदावन से विमान आता है, वो विमान में बैठ करके भगवान का धाम को विमान में बैठ करके भगवान की धाम को गमन करता है भक्त। लेकिन जब अभक्त मरता है फिर तो उसको भगवान कह रहे हैं उसको गले में काल खास को लगा करके 99,000 जो जन तक गर्म रेतियों के ऊपर में उसको घिसड़ते घिसड़ते ले जाता है और रास्ता में कुत्ते सियार उसको नोच नोच करके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। फिर 13 दिन के बाद में शुद्धि क्रिया होती है, बोले क्यों, बोले 13 दिन के लिए उसको एक नदी पार करना पड़ता है जिसका नाम बैतरेज नदी, और जो केवल टाटी पैसा खून पीता होता है उसको कोड़े मार मार करके उसको नदी पार कराते हैं, क्यों वो भगवान की भजन नहीं किया भक्ति नहीं किया। फिर उसको बाद में फिर ये 84 नरक में भी भोगना पड़ता है, 84 नरक भोगना पड़ता है। इसलिए क्या करता है साधारण व्यक्ति भी मरते हैं लेकिन मरने पर भी लेकिन उसको यंत्रणा भोग, लेकिन भक्त होने पर भी वो भगवान की धाम में जाते हैं। इसलिए भगवान कहते बोले माँ अगर तुम वैष्णव का संग करोगे, वैष्णव से अगर हरि कथा अगर माँ श्रवण करोगे क्या होगा, आप वर्ग वर्तमानी इस इतने सारे पर्व तुम्हारी नष्ट हो जाएगी और भगवान की चरण में धीरे 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 तुम्हारी भक्ति बढ़ते रहेगी। तो जो तीसरी जो भक्ति है तो तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, कहते जो तीसरी भक्ति को बताए गुरु जी की चरण की सेवा करना है, सारे अभिमान को छोड़ करके गुरु पाद पद्म की चरण की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। इसलिए जिसको कृष्ण स्वयं सुदामा जी को कहते हैं, जब सुदामा जी जाते हैं कृष्ण दर्शन करने के लिए उसको बाद में जैसे कृष्ण के उनका चरण धोकर के जिस पलंग के ऊपर में लक्ष्मी को साथ में विश्राम करते हैं उसी पलंग के ऊपर में कृष्ण सुदामा बैठ करके कृष्ण सुदामा वहां पर कृष्ण सुदामा जी को सारे पूर्व चरित्र सुनाते हैं। बोले सुदामा तेरे को याद है बोले किस चीज की, बोले एक समय हमारे गुरु जी हम दोनों को जंगल में लकड़ी बीनने के लिए भेजा, हम दोनों सूखे लकड़ियों को लेकर सर पर
सर पर रख के गले तक पानी में हम लोग खड़े थे और हाँ बड़े तेजी आंधी तूफान बारिश चार तरफ में बारिश ही हो गया। ऊंचा नीचा कुछ दिख नहीं पा रहा था, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, हमको दिख नहीं रहा था है। हम अभी खड़े थे, सांप हो गया जो वापस नहीं आए। इतने में गुरु जी हमें ढूंढने के लिए आए, ये दोनों बच्चे गए कहाँ पर। जब ढूंढने के लिए आए उन्होंने क्या देखा, वो जोर जोर से पुकार, सुदामा कृष्णा तुम कहाँ हो। इतने में बोले हम दोनों आवाज दिया, बोले गुरुदेव हम यहाँ पर। गुरु वहां क्या कर रहे हो, देखा गले तक पानी में खड़े हुए भगवान और सर पर सफेद लकड़ी की गठली लेकर के हम वहां पर खड़े हुए। तो गुरुदेव ने जब हम दोनों को देखा, कहा भगवान जी है, कहा ठाकुर जी है, जिनकी इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो सकता है, जिनकी इच्छा मात्र से। लेकिन गुरु सेवा की शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, गले तक पानी में। ठाकुर जी स्वयं गले तक पानी में खड़े होकर के वहां पर थर थर कांप रहे। मुझे सुदाम याद है, बोले मेरे को याद है। और उसी समय में श्री शांति बनी ऋषि क्या किया, दोनों को सर पर हाथ रखे और दोनों को उन्होंने सर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद देता है। बोले बेटा तुम लोग गुरु सेवा के लिए इतने परिश्रम कहा भगवान है और इतने परिश्रम किया, जाओ मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। जितने वेद पुराण उपनिषद सबके सब तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति हो जाएगी, याद है। बोले हाँ हम याद है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले ना अहम इच्छा प्रजाति तपसा उपशमने वा तुस्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। कृष्ण खुद कहते हैं बोले गुरु सेवा के द्वारा मैं जितने संतुष्ट होता हूँ उतना संतुष्ट बार व्रत पूजा अध्ययन और किसी के द्वारा मैं इतने संतुष्ट नहीं होता हूँ जितने संतुष्ट होता हूँ गुरु की सेवा से, जितना संतुष्ट होता हूँ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो तीसरी जो भक्ति है, क्या तीसरी भक्ति है, कहते गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। सारे अभिमान को छोड़ करके गुरु पाद पद्म की वैष्णव का सेवा ही जीवन का मूल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो वैष्णव का नाम नहीं लिया, केवल यहाँ पर गुरु जी का नाम लेते हैं। कहते जो गुरु वैष्णव कहते एक ही चीज बताया ना चैतन्य चरितामृत में, शिक्षा गुरु कैसे जानी कृष्ण के स्वरूप और गुरु जी को जानी कृष्ण के रूप। तो प्रभुपाद कहते जो स्वरूप और जो रूप है वो एक ही बात है, लेकिन केवल वो शब्दाही थोड़ी सी भेद है, शब्दाही भेद। इसलिए गुरु वैष्णव भगवान, गुरु वैष्णव भगवान तिनेरे स्मरण और तिनेरे स्मरण है विज्ञान विनाशन। गुरु वैष्णव जैसे यहाँ पर हमारे परमेश्वरी गुरु आप बच्चों को सब शिक्षा देते हैं, भजन की शिक्षा देते हैं, तुम लोगों को श्लोक सिखाते हैं, तुम लोगों को भजन में लगाने के लिए प्रभु जी इतना प्रतिष्ठा करते हैं। तब प्रभु जी क्या हो गए, यहाँ मुझे गुरु जी का नाम बताए, यहाँ पर वैष्णव का नाम कुछ बताए हैं। कहते जो गुरु वैष्णव है वो एक इष्ट है, गुरु वैष्णव कोई एक इष्ट है, कोई अलग ये नहीं है, ये कोई अलग नहीं, गुरु जी से कोई ये अलग नहीं। इसलिए गुरु वैष्णव भगवान ये तिनर स्मरण है, तिनर स्मरण है दुगना विनाशन। इसलिए गुरु वैष्णव करने एक ही बात है। इसलिए कहते गुरु सेवा हमें करनी चाहिए। इसलिए सप्तम स्कंध में भी वहां पर भी वर्णन आया है, वहां पर वर्णन आए शिष्य का क्या कर्तव्य है। वहां पर बताया जो शिष्य का रोज घर से मंदिर से बाहर जाना चाहिए, जा करके गुरु जी के लिए भिक्षा लेनी चाहिए। कहते उतना भिक्षा लाओ जैसे गुरु जी को भी हो जाए, हैं गुरु जी की भी हो जाए, तुम्हारे भी हो जाए, वैष्णव लोगों का हो जाए। इसलिए रोज बताए आश्रम से बाहर शिष्यों को रोज बाहर जानी चाहिए भिक्षा करने के लिए, रोज बाहर जानी चाहिए। इसलिए कभी भी गुरु जी को घर में कभी बोझ नहीं बननी चाहिए। सही से नहीं गुरु जी को बोले गुरु जी हमें आपको खिलाना पड़ेगा, अपना चेला क्यों बनाए, आपने हमें चेला क्यों बनाए हैं। इसलिए गुरु जी हमें आपको आपको हमें खिलाना पड़ेगा, चेला आपने बनाया है, चेला आपने क्यों बनाया। गुरु जी को घर में कभी बोझ नहीं बननी चाहिए।
यहाँ बोझ नहीं होनी चाहिए, हर समय गुरु जी की सेवा करनी चाहिए है। इसलिए गुरु जी को प्रसाद को बाद में अपने आप को प्रसाद पानी चाहिए, गुरु जी को सुला करके सोनी चाहिए, गुरु जी उठने से पहले उठ जानी चाहिए। लेकिन नहीं, गुरु जी उठ करके चले, बोले सो रहे अभी उठो है, गुरुदेव उठ गए अभी चले सो रहे, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुरु जी को सुला करके सो, गुरु जी को सोने उठने से पहले उठो। और उठ करके सप्तम स्कंद में से वर्णना किया है, पहले क्या करता गुरु जी के लिए पानी रख देते थे, दांतुन रख लेते थे गुरु जी के लिए, दांतुन पानी गुरु जी के लिए रखनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरु सेवा के द्वारा ही जीव जीवन में सब कुछ वस्तु गुरु सेवा से ही जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जमई भक्त जना पार्थ नमे भक्ता स्ते जना मत भक्ता नाथ जो भक्ता स्ते समय जुटता कमावता। भगवान कहते हैं जो डायरेक्ट बोलता है मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान कहते हो मेरा भगत नहीं, लेकिन जो कहते हैं मैं भगवान के भक्तों का मैं भक्त हूँ, भगवान कहते वो असली मेरे, वो असली मेरे वही असली भक्त है। इसलिए कहते जैसे चौथी भक्ति मम गुण गण कर ही कपट तेजी दान, जो चौथी है क्या करनी चाहिए, कहते मम गुण गान, भगवान की गुणगान करनी चाहिए, ठाकुर जी की गुणगान करनी चाहिए, ठाकुर जी की कथा बोलनी चाहिए। क्योंकि भगवान के गुणगान करने से पहला तो कल्याण अपना है, फिर बाद में किसी दूसरा कल्याण बाद में होगा, पहले अपना कल्याण है। देखो ये जो जीवा है ना, ये कुछ ना कुछ बोलेगा, भगवान की कथा बोलो नहीं तो माया की कथा बोलो, भगवान के नाम लो नहीं तो माया के नाम लो। अगर ये जीवा से अगर भगवान की कथा नहीं बोलोगे फिर क्या करेगा जीवा, तो माया की कथा बोलेगा, उसको तो स्वभाव बोलना है उसको बोलेगा। इसलिए उसको तो बढ़िया भगवान के नाम जप करो और क्या करो भगवान की गुणगान को करो। इसलिए कथा पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की जो कथा ये पुण्य श्रवण कीर्तन है, ये भगवान की कथा बोलने से क्या होता है, पहले तो अपना लाभ उसके बाद में फिर दूसरा को लाभ है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं ये गौड़ीय मठ क्या है, ये गौड़ीय मठ किसको कहते हैं, बोले गौड़ीय मठ उससे कहते हैं, बोले कृष्ण कथा रूपी जो अग्नि, कृष्ण कथा रूपी जो आग है कभी नहीं बुझनी चाहिए, हर समय है। कहते ना मठ मतलब होता है बसंती पठंत जत्र छात्रा, जहाँ पर पारमार्थ के छात्रों का निवास है, रह करे क्या करे वहां पर, हर समय पठंती बसंती वहां पर बैठे और पढ़े। बोले किस चीज को पढ़े, बोले भगवान ग्रंथ शास्त्र जैसे पढ़े, जैसे यहाँ पर हमारी सवेरे शाम दो टाइम जैसे भगवान की कथा होती है यहाँ पर, इसलिए क्या पढ़े भगवान की कथाओं को पढ़े, भगवान की कथा बोले। इसलिए जो चौथी भक्ति है क्या है, भगवान की गुणगान करनी चाहिए है। अगर भगवान की गुणगान नहीं करेंगे तो माया की गुणगान करेंगे। इसलिए हर समय क्या करो, महाप्रभु क्या कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हरिया तार निर्देश। महाप्रभु बोलते ना सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास, अमर आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु कह रहे जाओ दरवाजा दरवाजा पे जाओ है, नित्यानंद हरिदास ठाकुर को बोल दरवाजा दरवाजा पर जाओ, जाकर क्या करो, बोले भिक्षा मांगो है, जब से भिक्षा किससे जी तुझ, बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, बोलना तो कृष्ण बोलो, भजन करना तो कृष्ण भजन करो, अगर शिक्षा पाना तो किस चीज की शिक्षा प्राप्त करो, कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्राप्त करो। इसलिए महाप्रभु भी सबको भेज करके क्या करते थे, प्रभुपाद जी सबको दरवाजा दरवाजा पर भेजते थे, जैसे मथुरा में हम रहते थे, जब मथुरा में रहते थे हम तो घर घर में, जैसे यहाँ से कुछ लोग जाते हो द्वादश को जैसे भिक्षा करने के लिए जाते हो, जब हम मथुरा में रहते थे तब गुरुदेव कहते थे जाओ घर घर में भिक्षा लेकर के आओ, तो गुरुदेव कहते ऐसे नहीं गए और भिक्षा लेकर चले आए, नहीं क्या करो, ये भिक्षा में जाने का एक बहाना है, भिक्षा में जाने का एक बहाना है, उनको भगवान की कथा सुनाया करो, ठाकुर जी कथा सुनाओ उनको,
जैसे भिक्षा लिए बस मांस भाग गए। उनको भगवान की कथा सुनाओ, हरिनाम करो, गले में टंकी माला तिलक पहनो, भगवान की भक्ति करो, उनको बैठा करके हरी कथा सुनाओ। भिक्षा का द्वारा क्या होता है, इसको द्वारा प्रचार हो जाता है, इसको द्वारा भगवत भक्ति की इसको द्वारा प्रचार होता है। केवल गए भिक्षा लिया और अपना मतलब लेकर चले आए, नहीं। धीरे धीरे इसलिए गुरुदेव हर समय क्या बोलते थे, जैसे ब्रजमंडल नवदीप परिक्रमा में जो आते थे गुरुदेव क्या कहते थे, बोले देखो जब दूसरा बार आओ ना अकेले मत आना, कम से कम 10-10 व्यक्तियों को लेकर के आओ। गुरुदेव बोले 10-10 व्यक्ति बुलाओ, अभी 10 व्यक्ति बुलाए कहा तो जन्म तो करेगा, जन्म देकर लाओ। फिर गुरुदेव ने उनको हरी कथा सुनाओ, है भैया धाम में चलो, महाप्रभु धाम में चलो, नवदीप धाम में चलो, वृंदावन में चलो। फिर उनको हरी कथा सुनाओ, वृंदावन की महिमा सुनाओ, नवदीप धाम की महिमा सुनाओ, उनको सुना सुना हरी कथा बोलोगे। हरी कथा से क्या होगा, धीरे 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 महाप्रभु का जो भविष्यवाणी किया है, क्या भविष्यवाणी, पृथ्वी ते आच्छजत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार रहिए मरना, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण विश्व में मेरी कथा सर्वत्र, मेरे विश्व में मेरी कथा कौन जुटेगा, बोले सुखी आया लोग मर गाय गाये फिरती। एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण विश्व में सब लोग प्रसन्न होकर के क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे तब महाप्रभु का इच्छा कब पूरी होगा, जब भगवान की कथा प्रचार करके तब तो होगा ना, तब तो होगा। इसलिए प्रभुपाद प्रभुपाद का एक उपदेश है, कहते निर्जन भजन रे छलना है अलस होइवना, एक उपदेश है ना, ये गौरकिशोर दास प्रभुपाद का एक उपदेश है। बोले निर्जन भजन का छलना में अलस मत बना करो, कोई भी कहते ना हम निर्जन भजन करेंगे, अकेला होकर भजन करेंगे। तब प्रभुपाद कहते हैं भैया इसका बहाना बना करके अलस मत हो जाओ, हैं अलस मत हो, निर्जन भजन का अकेले भजन करके निर्जन भजन ना, इसको उसमें अलसता आ जाती, क्या करो महाप्रभु का वाणी प्रचार करो, भगवान की कथा प्रचार करो, हैं उसमें अपना भी कल्याण है और दूसरा का भी कल्याण है, तभी तो सारा दुनिया में लोग भक्ति करेंगे। मैं कहीं गया था तो वहां पर हमने देखा कुछ लोग हैं जो अपर संप्रदाय हैं, वो संप्रदाय से बाहर लोग हैं, अपर संप्रदाय का लोग है जो कि उल्टा पुल्टा करने वाले, उनको अलग अलग मतवादी है ना। तब हम सुना थे, तब एक भक्त ने बोला महाराज आप लोगों का ही दोस्त, हमने कहा भैया हमारा क्या दोस्त है, बोले आप लोग की शुद्ध भक्ति का तो प्रचार कर ही नहीं रहे, जब जगत में शुद्ध भक्ति आप प्रचार नहीं करते हो फिर तो कोई ना कोई उल्टा पुल्टा तो बोलेगा, शुद्ध भक्ति का प्रचार होगा। मेरे को बोल रहे थे अगर आप अगर शुद्ध भक्ति प्रचार करते फिर ये जो अपसंप्रदाय दुनिया में इतना फैल रहा है, पर ये अपसंप्रदाय इतना जगत में नहीं फैलता। इसलिए मेरे बोले महाराज जी आप शुद्ध भक्ति की धारा को प्रचार करो सर्वत्र, जगत में अपधर्म जगत में बहुत प्रचार हो रहा है, जिसका कोई संप्रदाय नहीं, जो नाम ये महामंत्र नहीं उल्टा पुल्टा नाम जप करते हैं, बंगाल में तो तुम सोच नहीं सकते कितने उल्टा पुल्टा धर्म वहाँ पर जगत में, कितने उल्टा पुल्टा जगत में धर्म प्रचार है, हैं वहाँ पर अलग अलग तो प्रचार है। इसलिए कहते हैं आपका दोष है आप शुद्ध भक्ति प्रचार करें नहीं उस जगत में, इसलिए इतने अपसंप्रदाय सारे जगत में फैल रहा है। इसलिए क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए भक्ति का शुद्ध भक्ति का प्रचार करनी चाहिए, नहीं तो दुनिया सारे अपसंप्रदाय में भर जाएगा सबके साथ। इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी है संपूर्ण पृथ्वी एक दिन कृष्ण भक्ति रस में हो जाएगी, कृष्ण भक्ति में सराबर हो जाएगी, लेकिन तभी होगा जब हम सबके सब महाप्रभु की वाणी को प्रचार हो जगत में प्रसार करेंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो चौथी जो भक्ति है मम गुण गण करो कपड़ त्यजी गान, इसलिए कहते कपड़ता को त्याग करके मेरे गुणगान को भगवान की कथा को जगत में प्रचार प्रसार करो। जैसे रुक्मणी जब कृष्ण रुक्मणी कृष्ण के पास में पत्र लिखती है, जब उन्होंने पत्र लिखती है
तब रुक्मणी कहती, बोले हे प्रभु मैं आपको भी नहीं देखा, आप मेरे को भी नहीं देखा, दोनों को देखे, लेकिन मेरी इतना निष्ठा आपके प्रति कैसे हो गई? रुक्मणी कह रही, बोले एक ही कारण है, ये नारद जी रोज आकर के मेरे को ये कृष्ण कथा आपकी कथा सुनाया करते। केवल नारद जी से मैंने कथा सुनते 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 आप मेरे रोम रोम में, आप पूरा पूरा मेरे रोम रोम में आप बैठ गए। इसलिए प्रभु मैं शादी करूंगी तो आपसे ही शादी करूंगी और किसी से मैं शादी नहीं करूंगी। कैसे? भगवान की गुणगान से। केवल भगवान की गुण, जो विदेश से बैठे जैसे हम लोग यहाँ पर आए, जैसे विदेश से बैठे यहाँ पर, जैसे हम लोग बैठे, आप कहाँ के? उड़ीसा से। आप कहाँ के? बिहार के। आप कहाँ के? पंजाब से। ये बागपत से। आप कहाँ से? यहाँ पर देखो, गुजरात से। गुजरात से यहाँ पर कोई अमेरिका से लड़कर यहाँ पर बैठे, लेकिन ये कैसे यहाँ पर आकर के सेवा में बैठ गए? हम सब अलग अलग है ना, अलग अलग है, कैसे हम यहाँ पर आकर बैठ गए? कारण है किसी भक्त ने भगवान की गुणगान किया है, किसी भक्त ने भगवान की गुणगान किया, गुणगान सुन करके क्या हुआ? फिर तो हम आकर के वृंदावन में बैठ करके हम भजन कर रहे हैं केवल गुणगान करके। इसलिए गोपियां क्या कहती हैं? बोले तब कथा वृता शास्त्र विरोध काम कर गए।
शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं यहाँ पर, 30-35 भक्त यहाँ पर है। फिर हम लोग क्या शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, फिर उसका बड़ी अच्छी बात बता दी, बोले हमारे देश में जो लड़कियां होती थी वो शादी से पहले हाथ में एक चूड़ी पहना करती, एक चूड़ी, ज्यादा चूड़ी नहीं पहनती थी हमारे गाँव, लेकिन वही लड़की जब शादी वगैरह जाती थी ना यहाँ से यहाँ तक चूड़ी पहनती, और फिर पैर में नुपुर पहनती थी, नुपुर पहनती थी और यहाँ से इतना चूड़ी, बोले क्यों कारण क्या, बोले कारण है जब वो लड़की शादी होकर के अपना ससुर घर जाती है, जब वो काम करती है उसका जो हाथ का चुड़िया ना झनझन झन आवाज है, और जो पैर में जो नुपुर पहनती है जो चलती है ना, अब देखना नुपुर पहन के छम 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 आवाज होती है, वो आवाज क्या करता है जो पति का काम में जो पड़ता है, पति बड़ा खुश होता है, मेरे पत्नी घर का काम कर रही है, मेरी पत्नी छम छम आवाज करके घर भर देता, एक लड़की अपन यहाँ पर नुपुर पहन कर चलता पूरा मंदिर घुस उठेगा, इतने चढ़ने की नुपुर की आवाज, अब तक इतना नहीं पहनता पर गांव में नुपुर पहनती थी, तब यहाँ पर कहते भैया इसका मतलब क्या, बोले इसका मतलब है विश्वनाथ धर्म टीका कहते हैं, कहते जब मेरे भक्त लोग पैदी करके मेरे गुणगान करते हैं, मेरी कथा करते हैं, जैसे यहाँ पर देखने के लिए हम क्या 30-35 भक्त है, लेकिन 30-35 भक्त नहीं है, कहते अगर एक भाव युक्त भक्त होनी चाहिए, भक्त कैसे होनी चाहिए, एक कहते एक भाव युक्त भक्त होनी चाहिए, जो एक भाव से भगवान की भक्ति केवल एक भाव से करनी चाहिए, जब भक्ति करते हैं जैसे यहाँ पर बैठ करके जो गुणगान किया है, जैसे चूड़ी की जैसे आवाज है, जैसे चलते हैं जो नुपुर की आवाज किया है, कहते जब ये आवाज किया है, बोले जब भक्त लोग बैठे करके मेरे कीर्तन करते हैं, मेरे गुणगान करते हैं, हमारे पति कौन है, ठाकुर जी, पति कौन है, ठाकुर जी, जब ठाकुर जी बैठे करके देखते हैं मेरे सारे भक्त एकत्रित होकर के मेरे कीर्तन करते हैं, मेरे गुणगान करते हैं, मेरे भजन करते हैं, ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, इतने खुश होते, देखो मेरे पति, हम भगवान की सब गोपी है ना सच्ची है, इसलिए सबके सब कथा की आवाज नहीं, ये कथा की झंकार, जब कृष्ण को कान में पड़ता है कृष्ण बड़े खुश होते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते थे गौड़ीय मठ में कृष्ण कथा रूपी अग्नि कभी नहीं बुझनी चाहिए, हर समय मंदिर में क्या होनी चाहिए, भगवान की कीर्तन, भगवान की कोलाहल हर समय चलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर भगवान कहते जो चौथी भक्ति है भगवान की गुणगान, भगवान की गुणगान, इसलिए क्या करो हर समय आपस में मत कथा मत कथा चिंता बोलो, उसके बाद में बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यं तुसन्ति च रमन्ति च, कृष्ण कहते हैं मेरे भक्तों का जो स्वभाव है हर समय मेरी कथा मेरी गुणगान मेरी भजन की बात हर समय आपस में ये हरि चर्चा करते हैं, कहते हैं जो चौथा भक्ति ये, इसलिए गुरुदेव जब मथुरा पर रहते थे महाराज जी हमारे गुरुदेव, वो चीज को बहुत अच्छे व्याख्या करते थे, नव विद्या भक्ति भगवान नाम कैसे सबरी को कैसे उन्होंने नव विद्या भक्ति कैसे उन्होंने प्रदान की है, बोलिताय गौर प्रेमानंद श्री हरि ओ, कृपा सिंधु वरि वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव